सब, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक रेसिपी लेकर आई हूँ, बिरयानी फॉर्चून का। ये जो सोयाबीन होती है उससे हम बनाएंगे बिरयानी, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। आइए फ्रेंड, हम देख लेते हैं बिरयानी में हम क्या क्या डालेंगे और क्या क्या चीज की जरूरत है। जैसे मैंने बताया कि ये फॉर्चून की जो सोयाबीन आती है उससे हम बिरयानी बनाएंगे, तो ये देखिए यहाँ लिखा भी है फॉर्चून और ये उसका सोयाबीन है। ये आपको फॉर्चून आटे के साथ भी मिलेगी और ऐसे भी मिल सकती है। और उसके लिए हमने बासमती इंडिया गेट का चावल लिया है। और जो बाकी चीजें लगेगी, यदि कि गरम मसाले, सूखे गरम मसाले जो होते हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, हरी मिर्च और प्याज, धनिया पत्ता और ये हरा मटर। तो चलिए हम बनाते हैं। आइए फ्रेंड, हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये सोयाबीन को मैंने काट लिया है। अब इसको, इस सोयाबीन को हम गर्म पानी में डालेंगे। गैस गर्म पानी देखिए उबल रही है, गैस को कम कर देंगे और इसमें हम सोयाबीन डाल देंगे। ये पूरा एक पैकेट लग जाएगी आपको। इसको डाल दिए, अब इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। और इधर चावल को हम वॉश करेंगे, हम वॉश कर लेते हैं। इसको वॉश करके थोड़ी देर के लिए इसमें पानी छोड़ देंगे। पानी उबल चुकी है और इसमें हम कुछ गरम मसाले डालेंगे, जैसे ये मोटी इलायची और कुछ लौंग, दालचीनी वगैरह, हरा इलायची, इसको ऐसे चीरकर इसमें डाल देंगे। और उसके साथ थोड़ा सा नमक भी डालेंगे पानी में, और जिस ऑयल से आप बनाएंगे वो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें गर्म पानी में। अभी मैंने चावल नहीं डाला है, चावल को बस वॉश करके रखा है। देखिए चावल को वॉश कर लिया अच्छा से, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। चावल को इसमें अब हम डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके सारा चावल इसमें डालेंगे। और जो मटर मैंने छील कर रखा है वो सारा का सारा मटर भी अभी इसी समय हम डाल देंगे इसमें, और इसको थोड़ा सा चला देंगे। ये बासमती राइस है, इसको पकने के लिए बस 10 से 15 मिनट की जरूरत है, तो बीच बीच में इसको चेक करेंगे और 15 मिनट के बाद ये पूरी तरह से चावल तैयार होगा। लेकिन चावल को ज्यादा हमें पकाना नहीं है क्योंकि इसको बिरयानी बनाना है, तो दम पर भी रखना है। सोयाबीन को मैंने धोकर वो पहले बॉयल किया और उसके बाद इसको अच्छा से धो लिया और निचोड़ कर मैंने रखा है। अब इसमें अदरक का, ये अदरक का जो पेस्ट है, सारा का सारा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और उसके साथ सूखे मसाले, सूखे मसालों में से मैंने कुछ भी दिखाया नहीं, अभी ही सूखे मसाले डालेंगे। हल्दी हो गया 1/2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च को हम मिलाएंगे। और उसके साथ साथ नमक को भी मिलाएंगे, 1 चम्मच नमक काफी होंगे। और इस सब को हम अच्छा से इसमें मिला देंगे। इसमें फ्रेंड 1 चम्मच जैसा मैंने दही डाला है, थोड़ा सा घर में दही था, तो आपके पास अगर अधिक हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने 1 ही चम्मच जैसा इसमें डाला है, इसको भी हम इस तरह से मिला देंगे और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड, फॉर्चून सोयाबीन जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, खास करके बच्चों के लिए, बच्चों का ग्रोथ के लिए। तो आप इसे एक बार अपना घर में जरूर ट्राई करना, बच्चों के लिए, खुद के लिए, फैमिली के सभी लोगों के लिए आप इसे जरूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी। कढ़ाई को चढ़ा दिया है पैन को, पैन बोलिए कढ़ाई जो भी, अब इसको हम गैस पे चढ़ा दिए हैं, गर्म भी हो गई है काफी, थोड़ा गैस का फ्लेम को कम कर देते हैं और इसमें अब हम तेल डालेंगे।
तेल एक बड़ा चम्मच का, एक चम्मच काफी होंगे या और थोड़ा सा देंगे क्योंकि प्याज को फ्राई करना है, गोल्डन करना है, इसीलिए डेढ़ चम्मच यहाँ तेल मैंने डाल दिया है। और इसे फिर से थोड़ा सा हिला लेंगे ऐसे करके और गैस का फ्लेम को फिर से हाई कर देंगे। अब तेल थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी। तेल गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम प्याज को डालेंगे। प्याज को अभी गोल्डन फ्राई करना है। देखिए प्याज थोड़ा सा कलर अपना चेंज, प्याज का जो कलर है वो चेंज हो रही है। अभी और थोड़ी देर उसे फ्राई करना है। प्याज देखिए थोड़ा फ्राई हो चुकी है गोल्डन कलर में। अब इसको हम निकाल लेंगे प्याज को। प्याज को निकाल लिया है, अब उसी तेल में, अलग से हम तेल नहीं डालेंगे, उसी तेल में ये जो गरम मसाले हैं खड़ा, इसमें बहुत कुछ है, जीरा वगैरह सब कुछ जो गरम मसाले में रहते हैं, इसको हमें डाल देना है। इसको डाल देना है, उसी के साथ एक तेज पत्ता भी डाल देंगे। और जैसे ही ये चटकने लगे घुमा देंगे। अभी गैस का फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही लो रखा हुआ है, अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब कुछ प्याज इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं भूनेंगे। अब इसमें जो सोयाबीन मैंने मैरिनेट करके रखा था उसको डालेंगे। ये देखिए सारा का सारा सोयाबीन, ये फॉर्चून सोयाबीन है, सोया बड़ी, इसे सोया बड़ी भी कहते हैं लोग। ये फॉर्चून सोयाबीन बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए, खास करके बच्चों के लिए। इसमें सारा हम डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और थोड़ा सा हल्का सा पानी मैं और इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला जो है वो चिपके नहीं और अच्छा से फ्राई हो जाए। इसे अभी थोड़ी देर, 2-3 मिनट हमें इसे ऐसे ही फ्राई करना है। ये सूखे लाल मिर्च एक पीस मैंने रखा है, इसको इस समय तोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही डाल देंगे और फिर इसको ऐसे चला देंगे। आप देख रहे हैं तेल ऊपर आ रही है, इसका मतलब ये बन रही है, पक रही है। और थोड़ा इसको फ्राई करना है। अब इस समय थोड़ा सा धनिया का पत्ते हम इसमें डालेंगे, ज्यादा नहीं, और फिर से इसको चला देना है। गैस का फ्लेम को आप अपने हिसाब से कभी कम कभी ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा बहुत देर तक करेंगे तो मसाला जो है वो जल सकती है। ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, इसमें मसाला वगैरह नहीं जलते हैं। ये फ्राई हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा हम पानी, मसाला का ही पानी इसमें डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक के पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। तो पानी डाल दिया है और इसको अब हम ढक देते हैं और थोड़ी देर, 2 मिनट जैसा इसको हम पकाएंगे।
गैस का फ्लेम को मीडियम में रखते हैं। सोयाबीन बनकर तैयार है, इसको हम थोड़ा अलग से निकाल के रखेंगे क्योंकि इसे हमें अभी लेयर देना है, चावल का और सोया का लेयर देना है, तो इसीलिए थोड़ा सा निकालना जरूरी है। जो मैंने चीर कर रखा था उसे भी इस समय डाल देंगे। और अब जो चावल का लेयर है, ये देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं। अब इसको हम इसमें हल्का हाथ से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ऐसे करके फैलाते जाएंगे, ऐसे करके फैलाएंगे। और जो प्याज को फ्राई करके रखा था उसे भी यही इसी समय हमें थोड़ा थोड़ा करके फैला देना है, ऐसे करके। और धनिया का पत्ता जो काट कर रखा था उसे भी ऐसे करके हम डालेंगे और फिर से हम इसमें जो सोयाबीन है उसको भी डालेंगे ऐसे फैला फैला कर। और फिर एक बार चावल का लेयर को देना है, ये एक और हरी मिर्च इसे भी डाल देंगे। और इसके बाद फिर से थोड़ा सा ये प्याज डाल देंगे, जो भुना हुआ प्याज है से इसको सोयाबीन को ऐसे डालना है। और फिर से एक बार चावल की जो लेयर है उसे देना है। इस समय गैस का फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है, हाई बिल्कुल ही नहीं रखना है, और ऐसे करके आपको फैलाना पड़ेगा। और धनिया के पत्ते, फिर से थोड़ा थोड़ा प्याज जो फ्राई किया है उसे भी दे देंगे। और इस बार जितना भी सोयाबीन को निकाला है उसे हम डाल देंगे, फिर से फैला देंगे। और चावल को, जो बचा हुआ चावल है उस सारा का सारा चावल इस समय डाल देंगे। प्याज सारा का सारा इस समय ऐसे ऐसे हमें डाल देना है। और धनिया का पत्ते जितने जो बचा हुआ था उसे भी हम ऐसे ऐसे करके डाल देंगे। सब कुछ डाल दिया है, अब बस इसको दम पर 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। चावल को हमने पूरा कुक नहीं किया है, 80% ही कुक किया है। अब इस को हम ढक कर 2 मिनट के लिए पकाएंगे और गैस का फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। फ्रेंड चेक कर लेते हैं बिरयानी को। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। इसे मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे करके हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से नीचे, नीचे का ऊपर से ऐसे ऐसे कर देना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो सोयाबीन का जो बिरयानी है बनकर तैयार है खाने के लिए, परोसने के लिए। ये देखिए मैं आपको उठाकर भी दिखा रही हूँ, नीचे वाला ऊपर करना है हमें हल्का हाथ से। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसे आप लंच बॉक्स में अपने बच्चों को सुबह का समय दे सकते हैं, हस्बैंड को भी दे सकते हैं, बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो आप अपने घर में जरूर ट्राई करना और लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलना। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नई रेसिपी को लेकर या किसी नई ब्लॉग को लेकर। तब तक टेक केयर।